अपने परिवार को आत्महत्या करे। हमें बहुत लोगों से पीड़ित हैं, बहुत दुखी हो गए। एक बार का नहीं, 50 बार का ये इनका मामला है। हमारे बाप दादों से इन्हें दुखी कर रखा है। गए हम एक बार पूरा परिवार लेके गए, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। दोषियों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। और के जी एन इंडिया न्यूज में एक बार फिर स्वागत है आपका। मैं खान रिपोर्टर शाहजहां। आखिर क्या रही खबर, डालते हैं। शाहजहांपुर अशोक कुमार पुत्र रामचरण निवासी ग्राम हथौड़िया थाना रोजा जनपद शाहजहांपुर ने जिलाधिकारी को प्रार्थना पत्र देकर बताया कि दिनांक 10/2/2024 समय लगभग 3 बजे गांव के दबंग एवं जातिवादी मानसिकता वाले किसान बिरादरी के लोग राम वर्मा पुत्र शीतल गोपाल वर्मा पुत्र प्रेम पाल परवीन पुत्र राम नरेश वर्मा पति राम वर्मा व पुत्र सूरज प्रार्थीगढ़ की गैर मौजूदगी एवं जानकारी मिलाए बगैर लेखपाल सिद्ध रोतेला दलाल राकेश लाकर स्वयं ही जबरन खेप की नाप कर रहे थे। जानकारी होने पर हम लोगों ने विरोध किया तो लोगों ने हम तीनों भाइयों तथा बीच बचाव कर रहे विजय पाल पुत्र समेत तथा हमारी महिलाओं को लाठी डंडे लात से गिरा दिया, दौड़ा दौड़ा कर पीटा। राम गोपाल वर्मा फूलमती पत्नी सोनपाल को खेतों की तरफ कर खींच कर ले गए और उनके साथ अश्लील हरकत की गई, जाति सूचक गाली दी गई और आपको बता दें चलें जिससे पीड़ित परिवार की जान बच सकी। जिसके बाद पीड़ित परिवार ने थाना रोजा में तहरीर दी, लेकिन तहरीर देने के बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई है। अतः हमारी मांग है कि अगर हम कार्रवाई आप नहीं करते हैं तो आत्महत्या करने पर मजबूर होंगे। दोषियों को गिरफ्तार करो, दोषियों को गिरफ्तार करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, दलितों पर अत्याचार बंद करो, पुलिस प्रशासन न्याय दो, पुलिस प्रशासन न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो। महोदय, एक ग्राम हथौड़िया थाना रोजा में पड़ता है जो अशोक कुमार की 20 बीघे जमीन है, जो इधर किसान लोग रहते हैं तो और इन्होंने अपनी 1 बीघे जमीन पर अपनी बाउंड्री कराई तो वहाँ ये लोग रहना चाहते हैं। तो वहाँ पर जाति मानसिकता के लोग पूर्व प्रधान श्री राम जी ने इनको मारा पीटा, इससे पहले भी इनके साथ कई घटनाएं कर चुके। मैं आपको बयान नहीं कर सकता हूँ, महिलाओं के साथ जो मारपीट की है उनके साथ दुर्व्यवहार किया है और मतलब कई बार वो प्रधान रह चुके हैं, कहते हैं समारोह में इसको रहने नहीं दूंगा, तुम्हारा साला यहाँ कौन है और सारे नेता जो है पार्टी सरकार ये सब मेरी है। इस प्रकार की सर अभी तक की घटना परसों हुई थी और 3 दिन सर हो गए, अभी तक पुलिस प्रशासन ने भी कोई कार्रवाई नहीं की, तो मजबूरी में सर मुझे यहाँ पर का जो है वो यहाँ तक मुझे आना पड़ा। नहीं ठीक है, अगर सही है बिल्कुल तो कार्रवाई नहीं। बिल्कुल हमारी 20 बीघे जमीन के उत्तर साइड में 1 बीघा मेरा खेत है, हमें चकबंदी दिया गया है, उसके उपरांत हमने अपनी बुनियाद भराई है, उसके जबरदस्ती वो लोग कब्जा करना चाहते हैं। कौन लोग? श्री राम, राम नरेश। और अभी परसों की बात है, कई एक बार भी घटना घट चुके हैं, परसों की बात है इन्होंने लोगों ने हम लोगों को मारा, लेखपाल जबरदस्ती लेखपाल को ले जाके जो वहाँ पे नाप कराते हैं फर्जी नाप, हमसे पूछताछ नहीं करते हैं हमारी ज़मीन की, वो अकेले पैमाइश कराते हैं, वो कौन होते हैं, ना प्रधान है ना कुछ नहीं है, ये दबंग लोग हैं जो हमें प्रशासन से हमारी गुहार है कि हमारी कार्रवाई जरूर हो, परिवार को आत्महत्या करेंगे। हमें बहुत लोगों से पीड़ित हैं, बहुत दुखी हो गए। एक बार का नहीं, 50 बार का ये इनका मामला है। हमारे बाप दादों से इन्हें दुखी कर रखा है। हमें अब थाने पे नहीं गए आप? थाने पर गए हम एक बार पूरा परिवार लेके गए, थाने में रिपोर्ट नहीं लिखी गई। अब शनिवार को हम लोग गए, एक आई थी टेम्परेरी अप्लीकेशन जल्दी दे दी, उसके बाद में साहब अभी तक कोई पुलिस प्रशासन नहीं और लेखपाल कानून को वो लेखपाल और ये ऐसे लेखपाल वहाँ दोनों लोग गए, उन्होंने नाप करी हमारी और नाप करके हम मना करते रहे। हमें कोई कार्रवाई अब उनके खिलाफ होनी चाहिए। हमारे बगैर हुकूमत मेरे खेत में पैमाइश क्यों कर रहे वो क्यों कर रहे? इफ यू वांट टू सी दिस काइंड ऑफ फैक्ट्स इन फ्यूचर प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड वॉच द लेटेस्ट वीडियोस बाय लाइकिंग इट एंड प्रेसिंग द बेल आइकन।